आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, कोई एक ऐसा गाना जो मनोज जी को देखकर आपको हमेशा जहन में आता है और आप चाहते हैं ये गाना उनके लिए ही है और मैं अच्छा कोई ऐसी धुन या कोई ऐसी बात याद है? मनोज जी के लिए, मनोज सर के लिए तो मतलब यार मेरे ख्याल से यस मैं क्योंकि एक तो मुझे उनको उनके दिमाग जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरे जहन में दो तीन गाने आते हैं। एक तो सपने में मिलती है क्योंकि सत्या के साथ में जो कनेक्शन है ना वो इतना तगड़ा है और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है मतलब वो मुझे बहुत सीधा उस मतलब मूड में मतलब वो आपको ले जाता है जब वो आप वीडियो भी देखते हैं उसका। और उनको उनकी पर्सनैलिटी को देख के मुझे हमेशा वो लगता है क्योंकि वो इतने खुश मिजाज और इतने मस्त मौला इंसान है ना, जबकि काफ़ी डिसिप्लिन भी हैं सामने जब आप मिलते हैं तो वो बहुत मतलब बहुत शराफत से पेश आते हैं सबसे और इज्जत देते हैं सबको, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत इज्जत भी देते हैं। लेकिन वो जब क्या कहते हैं उसको जो मस्त मौलापन जो है ना उनका, मुझे वो उस गाने में काफ़ी याद आता है खास। लेकिन अब आजकल वो उन्होंने तो स्मोकिंग ख़त्म कर दी है, सालों से बंद कर दी है, लेकिन ये गाना उन पे एकदम फिट बैठता है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये मैं मनोज सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।